भाई आ जाएगा। चीकू बेटी रो मत, खड़ी हो मत। दोस्तों अरमान मलिक कृतिका मलिक के बेटे जैद की तबीयत अभी भी पूरे तरीके से ठीक नहीं है। इस टाइम पर भी NICU में रखा गया है छोटे से जैद को। कृतिका पायल बहुत ज्यादा परेशान है अपने छोटे से बच्चे को लेकर, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना सारा दर्द झेलना एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें, जैद को अचानक से इन्फेक्शन हुआ, जिसके बाद कृतिका अरमान और पायल उसे हॉस्पिटल लेकर गए और उसके बाद डॉक्टर्स ने इस बात को क्लियर कर दिया कि आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना होगा, क्योंकि किसी भी पल किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। 72 घंटे जैद के लिए बेहद मुश्किल भरे हैं। आपने कल देखा कि कल के ब्लॉग में कृतिका पायल किस तरीके से बेटे जैद के लिए रोती हुई नजर आई हैं। जैद को इस हाल में देखकर जिस तरीके से कृतिका रोती नजर आई थी, तमाम उनके चाहने वाले फैंस काफी इमोशनल हो गए और बार बार कमेंट्स कर अरमान पायल कृतिका को वो ढांढस बता रहे थे कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जैद को कुछ नहीं होगा, छोटा सा जैद इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, हालत अभी भी जैद की काफी सीरियस है। हालांकि पायल ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जैद की तबीयत में पहले से थोड़ा सा सुधार तो लग रहा है, लेकिन डॉक्टर्स अभी भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा हिम्मत बांध के रखिए, थोड़ा सा स्ट्रांग रहिए। ऐसे में पायल और कृतिका जब थोड़ी देर के लिए नहाने के लिए घर पर आए और घर के अंदर आते ही चीकू जिस तरीके से उनसे लिपट कर रो रहा था, ये काफी इमोशनल कर देने वाला था, क्योंकि घर के अंदर जैद नहीं दिख रहा है जो हमेशा खेलता रहता था, हंसता रहता था। ऐसे में चीकू जो है वो जैद को काफी मिस कर रहा है और बार बार कृतिका से पूछ रहा है कि मम्मा जैद कब घर वापस आएगा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। अब चीकू जब इतना ज्यादा मिस कर रहा है तो कृतिका पायल भी अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को नहीं रोक पाई और उन्होंने चीकू को गले लगा लिया। चीकू बार बार ये कहता नजर आ रहा था कि मम्मा मुझे लेके चलो जैद के पास, मुझे उसे देखना है, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। आपको बता दें कि जैद इस टाइम पर हॉस्पिटल में है, NICU में है और डॉक्टर्स ने 72 घंटे तक रखने की बात की है। ऐसे में चीकू का जिस तरीके से तड़पना है जैद के लिए, वो हमें भी काफी इमोशनल कर रहा है। आप देख सकते हैं चीकू किस तरीके से कृतिका की गले रखकर रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है अपने छोटे से भाई को, क्योंकि जब से जैद इस दुनिया में आया है उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चली रही है। अब ऐसे में जब छोटा सा बच्चा इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तो ना सिर्फ मलिक फैमिली बल्कि उनके चाहने वाले भी इस टाइम पर बहुत ज्यादा परेशान हैं। जैद मलिक के लिए दुआएं की जा रही हैं, लोग बार बार यही कह रहे हैं कि प्लीज आप लोग हिम्मत मत हारिए, जैद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपने घर वापस आ जाएगा। लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अरमान कृतिका पायल को ट्रोल करते नजर आए हैं और ये कहते नजर आए हैं कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने ये कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि जो पायल है, पायल की वजह से जैद की तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद बकायदा कृतिका और पायल ने एक वीडियो बनाया, उन सभी ट्रोल्स को करारा जवाब दिया जो कि पायल को इन सब चीजों का जिम्मेदार ठहराते नजर आए हैं। फिलहाल तो आपको बता दें कि जैद जो है उसकी तबीयत पहले से थोड़ा सा ठीक तो है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स जो है अभी भी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, जिसकी वजह से कृतिका पायल बहुत ज्यादा परेशान है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।